नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपी न्यूज जोरक के आपको सबसे आगे। आपको बता दें, कोरोना महामारी के बीच देश भर में स्वतंत्रता दिवस बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आपको बता दें, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी ध्वजारोहण कार्यक्रम किया। इसके अलावा प्रदेश के अलग अलग जिलों में ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। आपको बता दें, लोहारू के चौधरी बंसीलाल राजकीय महाविद्यालय में 74वां स्वतंत्रता दिवस बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दें, कोरोना महामारी के चलते कॉलेज में किसी भी प्रकार का सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं हो सका, जिसके चलते कोई भी छात्र अपनी प्रतिभा का लोहा नहीं मना सका। क्योंकि कोरोना महामारी के चलते केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने एडवाइजरी जारी की हुई है, और एडवाइजरी में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि किसी भी परिस्थितियों में भीड़ को इकट्ठा न होने दी जाए। कॉलेज के प्रोफेसर सुखबीर ने ध्वजारोहण किया। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, और आपको यह भी दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि कॉलेज में पूरी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर पालन किया गया, मास्क का प्रयोग किया गया, और निश्चित दूरियाँ बनाकर यहाँ पर कॉलेज का स्टाफ और NSS के छात्र छात्राएँ यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें, 15 अगस्त और 26 जनवरी जैसे बड़े कार्यक्रम लोहारू के ऐतिहासिक ग्राउंड पर किए जाते हैं, लेकिन कोरोना महामारी के चलते अब की बार ऐसा संभव न हो सका। आपको बता दें, लोहारू के ऐतिहासिक मैदान में भी कोई बड़ा कार्यक्रम का आयोजन नहीं हुआ, सिर्फ औपचारिकता यहां पर की गई, और इसी के चलते यहां पर लोहारू के चौधरी बंसीलाल राजकीय महाविद्यालय में ध्वजारोहण किया गया। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाने का प्रयास भी कर रहे हैं, और यह भी दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर सरकार ने जो दिशा निर्देश जारी किए हुए हैं, गाइडलाइन जारी की गई है, उसकी यहाँ पर अनुपालना होती हुई कॉलेज के प्रोफेसर सुखबीर ने छात्र छात्राओं को स्वतंत्रता दिवस की विशेषताओं के बारे में बताया, और बड़े विस्तार से उन्होंने छात्र छात्राओं को समझाया भी। वो संबोधन भी दिखाएंगे प्रोफेसर सुखबीर का। आइए प्रोफेसर सुखबीर को सुनते हैं। और आज के दिन का महत्व इसलिए है कि हम उन स्वतंत्रता सेनानियों को भी याद करें जो इतिहास में, जिनके नाम नहीं आ पाए, परंतु उनकी कुर्बानी उनसे ज़्यादा है जिनके इतिहास में नाम आए हैं। स्वतंत्रता सेनानी वही नहीं है जो हम इतिहास में पढ़ते रहे हैं, ऐसे बहुत से हज़ारों स्वतंत्रता सेनानी कुर्बानी की भेंट चढ़ गए, परंतु इतिहास में उनके नाम नहीं है। इस संबंध में और ज़्यादा शोध किए जाने की आवश्यकता है, और आज का दिन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि भारत, हमारे संविधान निर्माताओं ने किस प्रकार का बनाया है। भारतीय संविधान का पहला ही अनुच्छेद आर्टिकल 1 कहता है, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, इंडिया नॉट एज कन्फेडरेशन बट इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। गणतंत्र होते हुए भी हम एक आत्मा रखते हैं कि यूनियन ऑफ स्टेट्स है। इसके साथ साथ आर्टिकल 51 ये कहता है कि जो हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं, मौलिक अधिकारों से ज़्यादा महत्व संविधान के अनुच्छेद 51 में दिए गए कर्तव्य हैं। अगर जैसे कि राजेंद्र ने कहा कि हम चाहे गलत क्वेश्चन करें, गलत क्वेश्चन करना मेरे ख्याल से लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, मैं इससे सहमति नहीं रखता हूँ, और जायज़ क्वेश्चन ही हम करें लोकतंत्र में, तभी, क्योंकि जिम्मेदार नागरिक भी, संविधान एक जिम्मेदार नागरिक की भी डिमांड करता है, सही क्वेश्चन करें तभी लोकतंत्र की सफलता की कामना की जा सकती है। तो क्वेश्चन करने का अधिकार हमें मौलिक स्वतंत्रता है हमारी, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी है, सब प्रकार के मौलिक अधिकार है, और मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए भारतीय उच्चतम न्यायालय देश में मौजूद है, जो टॉप मोस्ट इंटरप्रेटर है कॉन्स्टिट्यूशन का पैटर्न भी है इंडियन सुप्रीम कोर्ट। तो हम सिर्फ अपने अधिकारों की बात ना करें, हम अपने कर्तव्यों की बात करें, और आज के परिवेश में हमारा कर्तव्य ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा जो एडवाइजरी जारी की जा रही हैं, ऐसे आज का जो बड़ा सेंसिटिव वातावरण है इस समय, उनका हम पालन करें और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें, और अपने कर्तव्यों का भी साथ साथ पालन करें। इसी के साथ आप सबको 74वें स्वतंत्रता दिवस की पुनः बधाई देता हूं, और सभी के उज्जवल भविष्य। कॉलेज के प्रोफेसर सुखबीर को सुन रहे थे आप, और आपको बता दें, कार्यक्रम के बाद कॉलेज के प्रांगण में पौधारोपण किया गया। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, कॉलेज का पूरा स्टाफ यहाँ पर पेड़ लगाकर पर्यावरण को बचाने का संदेश देता हुआ। आपको बता दें, कॉलेज के प्रोफेसर सुखबीर ने हमें बताया कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो प्रकृति पर असंतुलन पैदा नहीं होगा, और आज हम देख रहे हैं कि बारिश का समय पर न आना ये पेड़ों की कटाई का ही कारण है। तो उन्होंने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा हम पेड़ लगाएं और पर्यावरण को बचाने का प्रयास करें। सही है।